एग्जाम्पल एट एग्जाम्पल एट काफी एक अच्छा क्वेश्चन है इसे बहुत आराम से और बहुत सिंपली हम समझेंगे दैट इज सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है सो इसके स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं यहां पे हमें दो फिगर्स दिए गए हैं, जिसमें दो ट्राइंगल्स हैं एक तरह से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कहा गया है कि सी एम एंड आर एन आर रेस्पेक्टिवली मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर प्रूव दैट पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो ये है ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर सेकेंड चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो ये सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड थर्ड चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो ये ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू So, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं दैट इज जो हमें गिवन है ये है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है तो हम इसे लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के वो इक्वल होगा सी ए अपॉन आर पी के ऐसा क्यों होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सिमिलर हैं तो कॉरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी नेक्स्ट अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज भी इक्वल है तो एक तरह से एंगल्स भी तो इक्वल होंगे सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी कॉमा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर तो ये दो चीज हमने सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग यहां पर प्रेडिक्ट कर ली अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऐसा होगा दैट इज रेशियो भी इक्वल होंगी एंगल्स भी इक्वल होंगे मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज भी इक्वल होंगी और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे अब नेक्स्ट चीज ये जो ट्राइंगल ए बी सी में सी एम है ये एक तरह से मीडियन है और मीडियन ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा तो ए एम और एम बी दोनों इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी इज इक्वल्स टू ए बी के होगा ये देन टू ए एम इज इक्वल्स टू ए बी सेम इसी तरह से ट्रा एंगल पी क्यू आर में भी ऐसे ही होगा पी क्यू विल बी इक्वल्स टू टू पी एन क्योंकि यहाँ पे सी एम और आर एन मीडियन थे वो पी क्यू को और ए बी को आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे सो हमने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकाली कि ए बी विल बी इक्वल टू टू एम एंड पी क्यू विल बी इक्वल्स टू टू पी एम अब हम अपने फर्स्ट रेशियो में इसे पुट कर देंगे दैट इज ए बी की जगह हम लिख देंगे टू ए एम और पी क्यू की जगह लिख देंगे टू पी एन सो हम इसे कुछ इस तरह से लिख पाएंगे लाइक टू ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी नेक्स्ट टू से टू यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी सो दो साइड्स को यानी कि ट्राइंगल ए एम सी और पी एन आर में हमने दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को तो इक्वल प्रूफ कर दिया अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है तो सिंपली हमें एक एंगल भी इक्वल प्रूफ कर देना चाहिए यहाँ से दैट इज वो एंगल होगा एंगल एम ए सी और एंगल एन पी आर अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे और ये तो आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों एंगल्स उन बड़े ट्राइंगल्स का पार्ट हैं और वो दोनों बड़े ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं दैट इज़ ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर और हमने वहीं पर ये प्रूफ करा था कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है तो उसी तरह से एंगल एम ए सी और एंगल एन पी आर भी इक्वल होंगे क्योंकि ये वो ही तो एंगल है सो एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ट्राइंगल एम सी इज़ सिमिलर टू ट्राएंगल पी एन आर सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी है वो ये करनी है कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के सो ये क्वाइट सिंपल है हमने प्रीवियसली ये देखा था कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल है सी ए अपॉन आर पी के और सी ए अपॉन आर पी पहले से ही इक्वल था ए बी अपॉन पी क्यू के सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में टर्म्स का यूज करके कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के तो सेकंड चीज तो बहुत सिंपली ये प्रूफ हो जाएगी थर्ड चीज की तरफ आते थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है थर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर होगा ट्राइंगल आर एन क्यू के लेकिन हमें पता क्या है हमें यह पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के सबसे पहले हमें जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन थे बड़े ट्राइंगल वहां से यह पता चला था इसके बाद नेक्स्ट हमने प्रीवियसली ये प्रूफ करा कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल आता है बी सी अपॉन क्यू आर के सो हम इसे लिख सकते हैं कि सी एम अपॉन आर एन इज़ इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू और हमें पता है कि ए बी इक्वल होगा टू बी एम के क्योंकि ए बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो दो इक्वल पार्ट एक तरह से हैं बी एम और ए एम और यहाँ पे हम बी एम के रिस्पेक्ट में इसे लिख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट जब हम प्रूव कर रहे थे तो हमने ए का यूज कर लिया था अब हम बी का यूज कर लेते हैं सो so, हम इसे लिख देंगे कि ए बी इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू एंड सेम उसी रीजन को ध्यान में रखते हुए क्योंकि पी क्यू भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्यू एन उसका एक पार्ट है और दोनों पार्ट आपस में इक्वल है सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू टू बी एम अपॉन टू क्यू एन सो टू से टू यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एन तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज़ सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एन इसके बाद सी एम अपॉन आर एन इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के नेक्स्ट वो दोनों इक्वल होंगे बी एम अपॉन क्यू एन के तो एक तरह से हमने दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया तो दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल है एक तरह से जो थर्ड पार्ट है वो उसी तरह से प्रूफ होगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करा था हम यहां पे इस थर्ड पार्ट में दैट इज क्वेश्चन के इस थर्ड एस 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 सिमिलैरिटी से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करा है और फर्स्ट पार्ट में एस ए एस सिमिलैरिटी का यूज करा था यहां पे भी हम एस एस सिमिलैरिटी का यूज कर सकते थे काफी सिंपल होता लेकिन प्रूफिंग दोनों पार्ट में सेम ही होगी फर्स्ट और थर्ड पार्ट में हम एक तरह से सेम ही चीज प्रूफ कर रहे हैं